हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और स्टैटिक जीके का आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टेडियम इन इंडिया विद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, देन हॉकी स्टेडियम एंड फिर फुटबॉल स्टेडियम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपके आने वाले हर एक एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, आपका रेलवे, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, जहां पर भी स्टैटिक पूछा जाता है, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि काफी सारे स्टेडियम्स के नाम भी चेंज किए गए हैं, करेक्ट है? सो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली पता है क्या हुआ है कि जो वाराणसी में हमारा स्टेडियम है, जो कि शिव जी के डमरू के शेप में बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसको होस्ट करेगा इंडिया एंड श्रीलंका, और ये जो मैच है वो उसी स्टेडियम में, वाराणसी वाले स्टेडियम में खेले जाने का अनुमान है। क्योंकि कल BCCI की टीम भी वहां पर गई थी विजिट करने के लिए, तो ऐसा एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि वो तब तक रेडी हो जाएगा और वहां पर ही मैच होंगे। तो इसलिए हमारे स्टेडियम जो है वो न्यूज में रहते हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पूजा जैन CA247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर बाकी सारे जो वीडियोस हैं स्टैटिक जीके पे बेस्ड, जैसे कि यूनेस्को साइट है, रामसर साइट हो गई, आपकी घराना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बार टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड फॉर क्रिकेट। अभी हम पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़े स्टेडियम है उनकी सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली पहले हम उनको देखते। तो हमें पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, कहां पर है? इंडिया में है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1 लाख प्लस आपको देखने को मिलेगी, और उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, एंड सिटिंग कैपेसिटी 1,32,000 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, और 1983 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और रीनेमिंग भी की गई, और रीनेमिंग करके इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया 2020 में। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी भी जो सिटिंग कैपेसिटी वो 1 लाख आपको देखने को मिलेगी। 1853 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब इंडिया का सबसे पुराना स्टेडियम, ओल्डेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, ईडन गार्डन, इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। ईडन गार्डन कहां पर है? कोलकाता में है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? इंडिया में है, रायपुर में है। 65,000 इसकी सिटिंग कैपेसिटी है, एंड 2008 में इसको बनाया गया है। एंड लास्ट आता है पर्थ स्टेडियम। तो पर्थ कहां पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। अगेन 2017 में इसको बनाया गया था। तो सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट आपको स्टेडियम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो हम सभी को पता है मोटेरा स्टेडियम, जिसको आज हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जान रहे हैं, अहमदाबाद में, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब ईडन गार्डन हमने देख लिया कि कोलकाता में है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड हम सभी को पता है कि लंदन यूके में है। फिर शारजहां क्रिकेट स्टेडियम यूएई में, एंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट अ स्टेडियम इन द प्रमाइसेस ऑफ आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इन विच सिटी इज टू बी नेम्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। तो आपको पता है 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे गोल्डन बॉय हैं, उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अभी वो सूबेदार की पोस्ट में आपको देखने को मिलते हैं इंडियन आर्मी में। तो यहां पर जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का प्रमाइसेस है, उसमें जो ग्राउंड अवेलेबल है उसका नाम चेंज करके किया गया है नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। ये कहां पर सिचुएटेड है? पुणे, कोलकाता, हैदराबाद या फिर चेन्नई में? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुणे।
A stadium in the premises of Army Sport Institute in Pune is to be named after Tokyo Olympic gold medalist Neeraj Chopra. ठीक है, पुणे कैंट एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा. तो अभी पिछले कुछ सालों में वो सारे स्टेडियम जिनके नाम चेंज किए गए हैं, एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लाइन से क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि आप देखेंगे करेंट अफेयर्स की न्यूज है, हम बात कर रहे हैं स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि कहां पर है, राजकोट में है और इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है. एंड स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट का नाम चेंज करके निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है. निरंजन शाह स्टेडियम कहां पर है, तो राजकोट में आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, निरंजन शाह इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी बीसीसीआई में काम किया हुआ है. नेक्स्ट है अरुण जेटली स्टेडियम. तो अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है, आंसर हो जाएगा दिल्ली में है, जिसे पहले हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते थे. ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में था और इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है 2019 में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम. एम ए चिदम्बरम स्टेडियम आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा. कहां पर है ये, चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएगा और इसका पुराना नाम मद्रास क्रिकेट क्लब ग्राउंड था. मद्रास क्रिकेट क्लब ग्राउंड था, नाम चेंज करके एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कर दिया गया. इसको हम चिपॉक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं और ये सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है. तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम का रिलेशन आपको क्रिकेट से देखने को मिल जाएगा और ये सेकेंड नंबर पे ओल्डेस्ट स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा ईडन गार्डन के बाद जो कि कोलकाता में है. इसको कब बनाया गया था, तो 1916 में इसको बनाया गया था और 1980 में इसका नाम चेंज किया गया था. ओके है जी, तो 1916 आपको याद रखना है, जब लखनऊ एग्रीमेंट हो रहा था ना, लखनऊ समझौता, उस समय आप देखो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम का फॉर्मेशन किया जा रहा था एज अ मद्रास क्रिकेट क्लब. डन. फिर आप देखेंगे मोटेरा स्टेडियम का नाम भी चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था अहमदाबाद में. ये कहानी तो सबको पता ही है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है राहुल बोस के नाम पे. इनको आपने कई सारे मूवीज में भी देखा होगा, एक एक्टर तो है ही, इसके अलावा ये रग्बी प्लेयर भी है. ठीक है, ये एक आपको रग्बी प्लेयर भी देखने को मिलेंगे. तो एक्टर राहुल बोस जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के, इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के प्रेसिडेंट है एक्टर राहुल बोस और इनके नाम पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने रग्बी स्टेडियम का नाम रखा है. तो आप देख सकते हैं राहुल बोस रग्बी स्टेडियम. ठीक है, डन. तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि राहुल बोस जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है उड़ीसा में, वो किस गेम से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा रग्बी से. ठीक है, इतनी चीजें. इसके अलावा दुती चंद्र, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा, दिलीप तिर्के, इन सभी लोगों के नाम से भी स्टेडियम्स के नाम आपको देखने को मिलते हैं उड़ीसा स्टेट में. डन, इतनी चीजें. अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको काफी काम आने वाली हैं. डन, तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड्स एंड आपके फुटबॉल ग्राउंड्स के बारे में. इस सेशन को पढ़ने के बाद आप एक और काम कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कितनी चीजें आपको याद है. ठीक है, स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे और ये एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जहां पर आपको 40 टेस्ट मिलेंगे स्टैटिक के. ठीक है, इनको आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन भी है. सिमिलर यहाँ पे इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें बजट का स्टैटिक भी है और अभी जो 2024-25 का बजट आया है उसके लिए भी एक सेपरेट टेस्ट है. तो टोटल 16 टेस्ट, 16 टेस्ट आपको मिल जाएंगे ये इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज में. ये सभी अवेलेबल कहाँ हो जाएगा, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर. आज की क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिलने वाली है. ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. जो चीजें आपको नॉर्मली याद है आप उनको नॉर्मल याद रखो और जो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं तो उनके लिए आप ट्रिक टेक्निक को यूज कर सकते हो. जैसे कि अरुण जेटली स्टेडियम सभी को पता है दिल्ली में है और ये पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और आज के समय में हम इसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं और ये वर्ल्ड का पहला क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें एलईडी फ्लड लाइट इंस्टॉल्ड की गई थी. ठीक है, तो ये आपको एक और स्टैटिक पॉइंट मिल गया.
नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हम इकाना क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाए, रीजन इज दैट कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिलेशन ग्वालियर से है, मतलब ये मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, लेकिन ये स्टेडियम आपको यूपी मतलब लखनऊ में देखने को मिल रहा है। बारावती स्टेडियम, वेरी फेमस स्टेडियम, राइट? बारावती स्टेडियम कहां पर है? तो कटक में, उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है वर्षा पारा। बारिश हो रही है, कहां पर बारिश हो रही है? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है असम में, ठीक है? तो वर्षा पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी असम में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वर्षा पारा क्रिकेट स्टेडियम इन गुवाहाटी। अब यहां पर काफी कंफ्यूजन होता है, कैप्टन रूप सिंह। तो कैप्टन रूप सिंह जो है वो हॉकी से एसोसिएटेड है, मेजर ध्यानचंद जी के यंगेस्ट ब्रदर आपको देखने को मिलेंगे कैप्टन रूप सिंह। तो कैप्टन रूप सिंह जी का एसोसिएशन तो हॉकी से है, लेकिन उनके नाम पे जो स्टेडियम है वो क्रिकेट से है, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। क्वेश्चन सिंपल सा था कि रूप सिंह स्टेडियम किस स्पोर्ट से है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि रूप सिंह जी का रिलेशन तो हॉकी से है, तो हॉकी स्टेडियम ही होगा। नहीं, ये आपको क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो स्पेशल इसको याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, अगला स्टेडियम हम देखेंगे क्रिकेट से एसोसिएटेड, जिसका नाम है भामाशाह स्टेडियम। भामाशाह स्टेडियम आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा। एक नया स्टेडियम है, राजस्थान में बनाया गया है विद मॉडर्न फैसिलिटी, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है ब्राबॉर्न स्टेडियम। सभी को पता है कि मुंबई में है ये स्टेडियम, एंड द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इस स्टेडियम को मैनेज करने का काम करता है। नाउ छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हम सुनते हैं डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं मुंबई, लेकिन ये स्टेडियम महाराष्ट्र में तो है लेकिन मुंबई में नहीं है। कहां पर है? कोल्हापुर में, जहां की चप्पल बहुत फेमस है, राइट? तो यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम कहां पर है? कोल्हापुर में आपको देखने को मिल जाएगा, और वेस्टर्न महाराष्ट्र का ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एम ए चिन्मय स्वामी, सॉरी ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये है एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्टेडियम के बारे में बात की थी, दिस इज एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है और ये चिन्ना स्वामी है। तो चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है, और ये पहला स्टेडियम है वर्ल्ड का, इनफैक्ट इंडिया एंड वर्ल्ड का, जहां पर हमने सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है। डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, तो डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में, और ईडन गार्डन कोलकाता में है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का, 1864 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट स्टेडियम आता है आपका ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में है, और ये पहला स्टेडियम है जिसमें आपको रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में है, 1457 मीटर हाइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपको इंदौर पे देखने को मिल जाएगा, और ये केवल और केवल एकमात्र ऐसा इंडियन स्टेडियम है जिसका नाम किसी वीमेन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पहले इसका नाम महारानी उषा राज ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड था, महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड पुराना नाम था, और अभी आज इसको हम होलकर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं, इंदौर में है। नेक्स्ट, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची। जे का मतलब यहाँ पर झारखंड से है, तो झारखंड वाला स्टेडियम कहाँ होगा? रांची में होगा। और इसको पता है ओन कौन करता है? हम सभी को पता है झारखंड से कौन बिलोंग करता है? महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी जी इसको ओन करने का काम करते हैं। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम हमने देख लिया है कि ये कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है, और ये रेड सॉइल पिच आपको एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में मिलेगी।
ओके है जी, तो चिन्नास्वामी कहाँ है? बैंगलोर में है। चिदंबरम कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर होगा? आसाम में होगा। और आपको पता है कि डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी के नाम पे ब्रिज भी जो बना हुआ है वो आसाम में ही है, राइट? तो डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आसाम में है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम। अभी हमने देखा था ना गुवाहाटी वाला, तो वही इसके अलग अलग नाम है। फिर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम, जिसको हम मोहाली क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, कहाँ पर है? मोहाली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो हम सभी को पता है कि चाहे वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, ये सभी हैदराबाद मतलब तेलंगाना में मिल जाएंगे। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। अगला नाम आता है सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम। सहारा एक कंपनी थी बहुत बड़ी, याद होगा आप लोगों को। तो सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम कहां पर है? महाराष्ट्र में, पुणे में मिल जाएगा। नेक्स्ट है उप्पल स्टेडियम, हैदराबाद में है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। एंड विदर्भ, तो हम सभी को पता है नागपुर को हम विदर्भ कहते थे ना, तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन भी महाराष्ट्र नागपुर में है। तो मैक्सिमम जो क्रिकेट ग्राउंड अवेलेबल है वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? डन इतनी चीजें। डीवाई पाटिल स्टेडियम भी आपको महाराष्ट्र में ही तो देखने मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी स्टेडियम्स के बारे में। तो सबसे अच्छा जो स्टेडियम माना जाता है हॉकी के लिए वो बिरसा मुंडा माना जाता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और कलिंगा स्टेडियम का रिलेशन आपको हॉकी से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ना एस्ट्रो टर्फ पिच देखने को मिलेगी, मतलब आर्टिफिशियल ग्रास एंड सैंड का इस्तेमाल करते हुए पिच को बनाया गया है। तो एस्ट्रो टर्फ पिच आपको कहाँ पर मिलेगी? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, और ये वेन्यू था पहले एशियन गेम्स का जो कि 1951 में न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ऐसा समझिए कि मौलाना जी हैं और उनके पास एक मशीन है, वो फॉल लगा रहे हैं, बस याद करने के लिए, अदरवाइज मत ले लेना। मौलाना जी हैं, एक मशीन है उनके पास और वो फॉल लगा रहे हैं, तो ये स्टेडियम इम्फाल में है, ठीक है? सो मौलाना मोहम्मद तैयबुल्ला हॉकी स्टेडियम इम्फाल में है, और एकमात्र इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉकी स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां पर होगा? अहमदाबाद में होगा, ठीक है? जहां पर आपको सैंड बेस्ड हॉकी पिच देखने को मिलेगी, ऐशबाग स्टेडियम। तो ऐशबाग हॉकी स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके? अब बात हो रही थी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के बारे में, जो कि राउरकेला में है, ओडिशा स्टेट में। इसको जनवरी 2023 में ही इनॉग्रेट किया गया, और ये लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था, और इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फुली सीटेड स्टेडियम इन द वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को याद रखना है, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा राउरकेला ओडिशा में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी PDF में। नेक्स्ट आता है आपका चांदीग्राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? महिलपुर पंजाब में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी एस्ट्रो टर्फ पिच यूज की गई है। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में है, ठीक है? तो एक है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली वाला, और ये है ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में। फिर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में सिचुएटेड है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, तो मोतीलाल नेहरू जी इलाहाबाद से संबंधित रहे, तो इलाहाबाद में स्टेडियम देखने को मिल जाएगा, और ये भी आपका सैंड बेस्ड हॉकी पिच स्टेडियम है। नेक्स्ट, पद्मश्री मोहम्मद साहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, ये वाराणसी में है। इंडिया के फॉर्मर हॉकी प्लेयर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद साहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा। राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक में है। शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉकी स्टेडियम है ये हमारे देश का। सुरजीत हॉकी स्टेडियम, अगेन फॉर्मर हॉकी प्लेयर के नाम पर, जालंधर में,
ये स्टेडियम है सुरजीत हॉकी स्टेडियम एंड सुशील कुमार स्टेडियम हिसार हरियाणा में है। सुशील कुमार हॉकी स्टेडियम कहाँ है? हिसार हरियाणा में आपको मिल जाएगा। तो ये हॉकी से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेडियम है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में फुटबॉल। फुटबॉल के बाद हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फुटबॉल की बात करेंगे तो आप लोग ने सॉल्ट लेक स्टेडियम के बारे में 100% सुना होगा। हम अक्सर अपने करेंट अफेयर्स में डिस्कस करते रहते हैं, राइट? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, जिसे हम विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के नाम से जानते हैं और ये लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इंडिया में है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन चेन्नई। नेक्स्ट फतौरदा स्टेडियम इन गोवा। और गोवा में आपको यहाँ पर एक और स्टेडियम मिल जाएगा, तिलक मैदान स्टेडियम इन गोवा। तो तिलक मैदान एंड फतौरदा स्टेडियम दोनों ही आपको गोवा में मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में है, ठीक है, जिसमें आपने नेचुरल ग्रास सरफेस को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है कांति रावा स्टेडियम। तो कांति रावा स्टेडियम आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है। एंड ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। गुरु नानक स्टेडियम, गुरु नानक देव जी लुधियाना, ठीक है, जहां पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना। राजीव गांधी स्टेडियम, अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि जनरली राजीव गांधी जी का जो भी चीजें होती हैं वो आपको हैदराबाद या तेलंगाना में मिलती है, लेकिन यहां पर राजीव गांधी स्टेडियम आपको आइजोल में देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ चुनिंदा स्टेडियम से है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और जहां पर नेचुरल ग्रास सरफेस का इस्तेमाल किया है। जीएमसी बाला योगी एथलीट स्टेडियम हैदराबाद में है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। फिर आता है बालेवड़ी स्टेडियम। तो बालेवड़ी स्टेडियम पुणे में है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा? जमशेदपुर में ही तो होगा। फिर है रविंद्र सरोवर स्टेडियम। तो रविंद्र सरोवर स्टेडियम कोलकाता में है। एंड यहां पर लद्दाख की बात करेंगे तो ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में है, जो कि 11,000 फीट की हाइट पर है और जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले फुटबॉल स्टेडियम है इन द वर्ल्ड, उसमें इसकी काउंटिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट से एसोसिएटेड स्टेडियम्स। पहले हमने बात की थी वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आपके स्टेडियम है। नाउ बात करते इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगेन वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद होगा। सेकेंड नंबर पे सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि आपको कोलकाता में मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समटाइम ना ये वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछते, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना कि कोच्चि में भी है चेन्नई में भी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो या तो ऑप्शन उस तरीके से दिए जाते हैं या तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही नहीं है। एंड फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जिसको हम अरुण जेटली स्टेडियम कह रहे हैं, वो आपको छठवें नंबर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब आती ही बात यहाँ पे रिविजन की। तो एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, बिल्कुल टफ नहीं है, इन स्टेडियम को आप करेंट अफेयर्स में सुनते रहते हैं। बहुत सारे स्टेडियम हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम है, ये सब आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। वैसे ही आप अपने अपने स्टेट के जो भी स्टेडियम्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और एक दो बार आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तो सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। बिल्कुल टफ नहीं होता है यहाँ पर ही, ठीक है। चलिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो जहाँ पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी है, राइट, वानखेड़े स्टेडियम, ये आपको महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल जाएगा। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो हमको पता है ये आपको चेन्नई में तमिलनाडु में मिलेगा। तो चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में है, ठीक है, और चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे अगेन। नेक्स्ट है सुब्रतो रॉय सहारा स्टेडियम, और ये भी आपको महाराष्ट्र में पुणे में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट है। महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, जिसको आज हम होलकर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से, स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हम सभी को पता है कि हैदराबाद में है, मतलब तेलंगाना स्टेट में है, तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बरकतुल्ला खान स्टेडियम, तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर है, किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो ये स्टेडियम आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के जो 6 नंबर के चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। एंड 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है, याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है, नाहर सिंह स्टेडियम आपको मिल जाएगा कहां पे, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। बारावती स्टेडियम कहां पर है, तो बारावती स्टेडियम आपको कटक में देखने को मिलता है, मतलब उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। याद कीजिए जब उड़ीसा के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था अभिनव बिंद्रा के नाम पे और भी अलग अलग लोगों के नाम पे यहाँ पे स्टेडियम है, ठीक है। तो आपको वहां पे मैंने दिलीप टिड़के का नाम भी बताया था, क्रिकेट से इनका संबंध है और क्रिकेट का एक स्टेडियम आपको मिल जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा में। तो दिलीप टिड़के स्टेडियम कहाँ पर है, उड़ीसा स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, दादाजी कोंडादेव स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर महाराष्ट्र। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी लिखना है कि आपके स्टेट में कौन से स्टेडियम्स हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहां पर हम स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हर एक स्पोर्ट में कितने प्लेयर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपने अक्सर देखे होंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे एंड लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। थैंक यू, टेक केयर।